बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी मस्ती। केक कट करने का टाइम हो गया है और यहाँ पर 6:30 तक सारे बच्चे आ गए थे, क्योंकि हमने यही एक टाइम हमको ठीक लगा था कि इवनिंग में जो बच्चे आएंगे सारे पूरे एक्टिव होंगे अच्छे से, वो मस्ती कर पाएंगे, बनी भी इवन मस्ती कर पाएगा। तो बनी को हमने उसको जो स्लीपिंग टाइम उसकी नैप थी वो हमने उसको करवा दी थी और अब वो फुल एकदम मस्ती के लिए रेडी है। तो केक कट करने का टाइम आ गया है। यहाँ पर हमको फ़ैन भी ऑफ करना पड़ा, बच्चे गर्मी में बहुत थोड़ा परेशान हो ना हो जाए, तो हमने सोचा चलो जल्दी से फटाफट इसे कर देते हैं। एकदम से इतने सारे जो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो कहाँ से आ गए हैं। और अभी छोटा है वो, तो उसको इतना अभी नहीं रहता है, बट फिर भी अच्छा खासा उसने एंजॉय किया है, क्योंकि वो सभी सारे लोगों को, जितने बच्चे आए थे सभी उसके फ्रेंड्स हैं, सबकी ऑलमोस्ट वो सबको जानता है अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा घबरा रहा था। फिर हमने उसको अच्छे से केक कट करवाया, जैसे कि वो एकदम केक कट नहीं कर रहा था, तो पवन ने और मैंने दोनों ने उसको अच्छे से उसका हैंड उसका पकड़ के उसको केक कट करवाया। वो बिल्कुल भी नहीं रोया, लास्ट टाइम तो उसने बहुत ज़्यादा वो क्राई किया, उसने बिल्कुल एक साल का बेबी, तो पता है आपको कि वो बिल्कुल उसको समझ में नहीं आता, इतने सारे वहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा घबरा गया, फिर छोटा भी था, बट ठीक है, यहाँ पे उसने अच्छा सा एंजॉय किया। We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark, we can do everything, everything. Everything. So hold on, don't stop. There's so much in you. We are the free. We are the free. We have the power to be stronger if we want it. You and me. This is our time. This is the day we can do anything, anything, anything. And all our dreams light up the way. We can have everything, everything, everything. So stand up, don't stop. The best is in you.
shine through. Oh, 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 oh. So light up the power in you and go for the best in you. 'Cause I see light shine through. गर्मी के बाद तो मैं उनको कोल्ड ड्रिंक दिया, उन्होंने चीयर्स किया क्योंकि हमने उनको बोला चीयर्स करो सबसे पहले, उसके बाद क्योंकि बच्चे जब होते हैं तो उनके साथ थोड़ी सी मस्ती करनी चाहिए और मैं बच्चों के साथ बहुत मस्ती करती हूँ और बच्चे इतने ज़्यादा सारे तो हो गए थे तो बनी भी बहुत अच्छी मस्ती कर रहा था, तो मैंने बोला सबसे पहले चलो चीयर्स करते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं पार्टी। और मैं बच्चों से पूछ के वन बाई वन ही काम कर रही थी कि जो बिल्कुल बोर ना हो, बिल्कुल वो एकदम की फील करें, और मैं चाहती थी सभी मस्ती करें अच्छे से, कोई भी बच्चा बोर ना हो, तो मैं उनसे मैं पूछ यही सारी चीज़ें कर रही थी कि अब क्या करें। और मैंने हर चीज़ के लिए टास्क रखा हुआ था कि बच्चे जो भी ऐसा कंप्लीट करेगा तो हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो बच्चे छोटे बच्चे हैं तो इनमें वो काफ़ी उनको अच्छा लगता है, काफ़ी इंजॉय करते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं या कोई भी उन्हें जो अच्छा लगता है वो उनके साथ करते हैं, तो बच्चे काफ़ी उनको अच्छा लगता है। तो आई थिंक मुझे लगा ये करना चाहिए क्योंकि किड्स पार्टी है, बच्चों की है पार्टी, तो हमारा तो कोई काम नहीं था बट हम उनके साथ मस्ती कर सकते थे, बस यही कर सकते थे। और तो मैंने यहाँ पर कुछ उनको कोल्ड ड्रिंक के साथ कुछ स्नैक्स दे दिए थे क्योंकि शाम का टाइम था, बच्चे जब आए थे तो मैंने कहा जो स्नैक्स उनको घर पर करा देते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक के साथ मैंने कुछ चिप्स वगैरह जो भी जो फिर बिस्किट्स वगैरह चॉकलेट्स बिस्किट्स जो भी सारी चीज़ें थी, हर तरीके की मैंने 4-5 चीज़ें रखी हुई थी, तो बच्चों ने उसे खाया। और बनी को जो
कर रहे थे, सारे चेंज कर रहे थे और बच्चे मस्ती कर रहे थे। बस मैं बनी भी पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट था उसका, देख रहे हैं आप कितनी अच्छी से मस्ती कर रहा है, क्योंकि वो सभी को जानता है, धीरे धीरे वो फैमिलियर हो जाता है ना, तो लोगों से काफ़ी अच्छे से बात करके या उनके साथ घुल मिल जाता है। तो उसके बाद हमने सोचा था कि ठीक है बच्चे जब मस्ती कर लेंगे तो थोड़ा सा, जब भी वो थोड़ा सा टायर्ड होंगे तो हम उसके बाद उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा देते रहेंगे जैसे कि वो एक्टिव ही रहें। तो यहाँ पर भी मैंने कहा था चलो ठीक है डांस वांस हो जाएगा, उसके बाद मैं इनको यहाँ पर कुछ सर्व करके कोल्ड ड्रिंक वगैरह दूंगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा म्यूज़िक जो है मेरा वो ऊपर की साइड में रखा हुआ था, तो मैं उसे ऑन करने, उसकी जो वॉल्यूम है उसका जो थोड़ा सा कम करने के लिए गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई था, तो इसलिए मैंने ऊपर चढ़ गई थी मैं वहाँ पर। तो इसके बाद क्या है, मैंने यहाँ पर तीन चीज़ों का इंतज़ाम किया हुआ था। सीरियसली बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, तो उन्होंने बहुत सारा डांस किया, हमने उनको बोला था स्टॉप करो, अब थोड़ा सा पानी वानी पी लो, उसके बाद कुछ खाने के बाद फिर से कुछ स्टार्ट करना। तो अभी हमें बहुत सारी चीज़ें हमें करनी थी, क्योंकि बच्चों को हमने सिर्फ स्नैक्स ही खाने को दिए थे और हमने बाकी की जो चीज़ें थी जो बच्चों के और स्नैक्स होते बच्चों को जो पसंद आते हैं वो हमने सब पैक वगैरह कर दिया था, उनको अच्छे से रैप किया था और वो पैकेट्स भी हमें उन्हें देने थे अलग से। और इसके अलावा जो केक के बॉक्स थे उसमें कुछ हमने चीज़ें रख रखी थी वो भी हमें देने थे, और रिटर्न गिफ्ट्स भी देने थे। तो मैंने यहाँ पर एक टास्क और रख दिया था, चलो हमने कहा चलो वन बाई वन एक एक करके कुछ बोलो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, जो बोलना चाहते हो बोलो। तो बच्चों को बहुत इन्जॉय किया इस टास्क में भी बच्चों ने, और छोटे से लेके बड़े जितने बच्चों ने ना कुछ उन्होंने बोला, बहुत ही फनी मोमेंट था बच्चों के लिए, हमारे लिए भी, और क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की उसमें भी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा बहुत लेट हो गया है और ये इस तरीके से हमने एंड किया, और बनी हमारे भी बोल नहीं पाते हैं उतना, तो उन्होंने कुछ नहीं फिलहाल बोला है। और बनी के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों ने बोली, बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, बच्चे प्यारे ही होते हैं, बनी बहुत मस्ती करना है, बनी को अभी भी मस्ती चल रही है, बच्चे फिर से डांस करना शुरू हो गया, बच्चों में बहुत स्टैमिना है, बच्चे करते रहेंगे रुकेंगे नहीं। सोचा कि चलो बच्चों को दे देते हैं उनके कुछ स्नैक्स जो हमने पैकेट में पैक करके जो अच्छे से रैप करके, जिससे बच्चे उसे अच्छे से, अगर हम किसी चीज़ को देते हैं तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है, बच्चे भी वो एकदम घर जाके वो सरप्राइज़ होते हैं चीज़ों को देख के, पता नहीं क्या होगा। तो हमने चॉकलेट्स बिस्किट्स जो चिप्स के पैकेट जो बच्चे खाते हैं जो नॉर्मली जो होते हैं, तो हमने वही उनके लिए रखे हुए थे इसमें, तो ये दिया था। उसके बाद हमने बच्चों के लिए कुछ रिटर्न गिफ्ट्स भी हमने पैक करे थे अलग से, तो वो भी हमारा वो सेकंड राउंड था, तो मैंने कहा चलो वो भी दे देते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा था धीरे धीरे, 7:30 हो गया था, बच्चे काफ़ी देर के आए हुए थे। तो ये देखिए बच्चे तो अभी भी डांस कर रहे हैं, बच्चों को बहुत मस्ती चल रही है। घर में इस तरीके से सोशल गैदरिंग तो बना था, तो एकदम ये बेस्ट है कि अगर आप इस तरीके से किड्स पार्टी करें लिमिटेड बच्चों को बुला के, तो बहुत अच्छा है। और कुछ बच्चे लेट भी आए थे यहाँ पर, तो 9 से 10 बच्चे पर हो गए थे, हमारी सोसाइटी के ही सारे बच्चे थे। और ये मैं अभी दे रही हूँ रिटर्न गिफ्ट्स, बच्चों की एज के हिसाब से मैं उनको रिटर्न गिफ्ट्स दिए हुए थे, जो उनकी एज के हिसाब से उनके लिए लर्निंग पर्पस एक्टिविटीज़ के साथ जो मुझे ठीक लगा वो मैंने पास करके सभी बच्चों को मैंने से रिटर्न गिफ्ट्स दिए थे बाद में। उसके बाद चलते समय मैंने सोचा चलो बच्चों को जो केक वगैरह था उनका बहुत ज़्यादा मैसी कर देंगे, सब ख़राब हो जाएगा, बच्चे खाते हैं नहीं खाते हैं, तो वो केक के बॉक्स भी हमने अलग से पैक कर दिए थे बच्चों के लिए। केक बॉक्स में हमने अलग से वो बिस्किट्स वगैरह कुछ और भी चीज़ें हमने ऐड कर दी थी, हमने टॉफ़ीज़ वगैरह थी जो बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी ऐड गई, तो बच्चों को हमने तीन चीज़ें हमने की थी। रिटर्न गिफ्ट्स जो था वो हमने दिया था उनको बच्चों को, थैंक यू उसमें बाकायदा लिख के। तो ये आप भी इस तरीके से कर सकते हो, घर में अगर बच्चे की पार्टी है तो आप उसे अच्छा क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो हल्का, जिस तरीके से मैंने थोड़ा सा ये डेकोरेशन किया था घर में, खुद का DIY था मेरा, तो इस तरीके से। तो
तो ये है बनी का जो सेकंड जो पार्ट रह गया था बर्थडे का ब्लॉग, वो उसका एंड हो रहा है। और आई होप सो कि आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा। तो एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल। बहुत प्यारी प्यारी विशेस आई हैं और बच्चों ने आके एक अलग ही जो माहौल कर दिया था, बच्चों की वजह से ही सब कुछ हुआ है अच्छा। और मैं ये बर्थडे भी बनी का कभी नहीं भूल पाऊँगी। आई होप सो सारी चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी तो हम और अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। एंड इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर लास्ट ईयर की जो बनी की फ़ोटोज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, जो फर्स्ट हमने बनी का बर्थडे अच्छे सेलिब्रेट किया था। तो ये हमारी पूरी फैमिली है यहाँ पर। और चलिए